हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज आप देख रहे हैं ये मटर के स्प्राउट्स बनाए हैं। ये खाने के लिए, चाट के लिए नहीं है, ये मैंने बनाया है स्पेशल गार्डनिंग के लिए। डेढ़ दिन में इतने इतने स्प्राउट्स आ गए, तो उसका कुछ करेंगे आज गार्डन में, दिखाऊँगी मैं आगे क्या करेंगे। चलो फ्लिप फ्लॉप टाइम, वेरी फ्लिप फ्लॉप। सुबह सुबह का टाइम है, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना है। आज करेंगे सबसे पहले गार्डनिंग। बहुत सारा काम है करना आज, और वेदर भी एकदम परफेक्ट है। विच बुक? ओके, यू कैन गेट इट राइट। और वीर को बाहर आना नहीं है क्योंकि उसे बग्स और इस चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो वो बैठा है बुक रीड करने के लिए बाहर। वेदांत अभी सोया ही है, सैटरडे संडे थोड़ा देर से ही उठता है। और ये देखिए फ्लावर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। और रोज़ बारिश हो रही है आज, लाइक 24 आवर्स में थोड़ी देर तो बारिश हो ही जाती है। तो एकदम जैसे ट्रॉपिकल एरिया हो ना, ऐसा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिख रहा है। तो एक्चुअली मैं और हस्बैंड सोच रहे थे कुछ क्लीनिंग करें ताकि हम कुछ प्लांट कर सकें, पर यहाँ पे मुझे दिख गई ये टांडलजा की भाजी। हमारे यहाँ इसे टांडलजा की या राटा छोड़ की भाजी बोलते हैं, अमेरंथ साइड बोलते हैं, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ ये बहुत खाई जाती है। तो एक बार सबसे पहले मैं गार्डनिंग करना स्टार्ट किया तो मेरी कज़िन के यहाँ से मैं लाई थी सीड्स, तो उन्होंने दिया था। और उसके बाद ये अपने आप ही इस पे से सीड्स गिरते रहते हैं और अपने आप ही इस तरह से उगते रहते हैं प्लांट्स। तो ये रैंडम प्लांट्स नहीं है, भाजी के प्लांट्स हैं, तो वो मैं निकाल लूँगी। और आज इसकी बनेगी सब्जी लंच के लिए, और जितनी भी चाहिए उतनी सब्जी मैंने निकाल ली है, बहुत सारी उगी है। तो पहले सोचा ये कर ले, तो मटर जो स्प्राउट्स किए थे ना वो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मटर के लिए। इंडिया जाने से पहले भी इस तरह से मटर डाले थे और उसमें से बहुत सारे मटर मिले थे। तो अभी टेम्परेचर डाउन होगा तो मैंने सोचा मटर डाल लूँ, देखते हैं किस तरह से अच्छे से उगे कि नहीं। लास्ट टाइम इसी तरह से मैंने रैंडमली ही डाले थे, बाहर से सीड्स नहीं लाई थी। जो हमारी पेंट्री में होते हैं ना, उसी को मैंने इस तरह से स्प्राउट्स किए थे घर में, और फिर इस तरह से दबा के लाइन कर दिया था। तो इतने सारे मटर उगे ना, किसी भी कोई भी इतना ज़्यादा खर्चा किए बिना। तो सेम ट्रिक से मैं कर रही हूँ, पर टेम्परेचर जो बहुत अप जाएगा ना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा तो मटर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो ये सब कर दिया हम लोगों ने। और आज वेदर देखिए, थोड़ा सा फॉगी था वो क्लियर हो गया है, पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही। क्लाउड्स बहुत सारा है पर बारिश नहीं हुई है अभी, रात को हुई थी। तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम किया और थोड़ा बहुत इस तरह से सीड्स का भी काम किया। और ये देखिए इतने एरिया में डाला, और यहाँ पे थोड़े से डाले थे धनिया के सीड्स। देखते हैं हमारी खेती बाड़ी वीकेंड की हो गई, जो जितना कर सके इतना। और बहुत अच्छा लगता है जब इस पर कुछ आता है ना खाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है, सुबह सुबह के टाइम पे फ्रेश भी हो जाते हैं, फ्रेश एयर भी ले लेते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे प्लांट्स हुए हैं ना, तो मैंने निकाल लिए हैं। और पर इसे मुझे अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, इसे मैं बाहर ही रखूँगी, बाहर पहले वॉश करूँगी फिर घर में ले जाऊँगी। और यहाँ पे तुलसी माता और नागरवेल का बहुत अच्छा प्लांट हो गया है, और क्यूकम्बर भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। और वीकेंड है तो कोकोनट आया था, तो वो मैं कट कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों को कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वीकेंड में लाई थी। और इस ये एक कोकोनट में इतना सारा वाटर निकला, पूरा ये पॉट भर गया। तो मैंने सोचा इसको मेज़र करके देखती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मिलेगा। इसमें से हाफ मिलता तभी मैं खुश हो जाती। तो मैंने मेज़र किया तो अराउंड 800 ml के अराउंड हुआ एक ही कोकोनट में से, और इतना फ्रेश और इतना अच्छा लगा। और मैं सिर्फ $3 का लाई थी, वरना $6 के अराउंड का मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा ले ही लूँ, लक अच्छा होगा तो अच्छा खासा पानी निकलेगा। तो इस बार तो अराउंड 800 ml पानी निकला, तो सब बहुत खुश हो गए कि $3 हमारे हो गए, इतना ज़्यादा पानी। तो हम लोगों ने पानी पिया, थोड़ा सा स्टोर करके आफ्टरनून में दूंगी बच्चों को। और मैंने इडली का बैटर बना लिया था कल रात को ही, फर्मेंटेशन के लिए रख दिया था, तो आज उसी का ब्रेकफास्ट बनेगा, इसीलिए गार्डनिंग भी किया। जब जिन्हें खाना है उनको गर्मा गर्म बना के खिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बेल पेपर्स और ऑनियन को चॉप कर लिया और साथ में डालूंगी करी पत्ते, कट करके डालूंगी ताकि बच्चे खा जाए। करी पत्ता हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस तरह से चॉप कर करके आप डाल सको ना जिसमें भी, तो डाल दीजिएगा ताकि ये खाने में जाए, बिल्कुल ही बाहर निकाल ना दे। पूरा पत्ता डालेंगे ना तो घर के लोग निकाल ही देंगे। और मेरे वेदांत तो बोलता है कि कचरा क्यों डाला जब हम पूरा पत्ता डालते हैं। तो यही होता है, बच्चे लोगों को खिलाना ट्रिक के साथ खिलाना पड़ता है। और ये मिक्स वेजिटेबल्स हो गया, तो थोड़ा सा हेल्दी भी बनाएंगे खाना। और कल रात को बहुत देर हो गई थी, शॉपिंग करके आए और खाना पुना करके, तो मैंने वेजिटेबल्स जो भी शॉपिंग किया था इंडियन स्टोर का वो यहीं पर रख दिया था। तो आज सोचा इसको क्लीन करूँगी, पर फ्रीज़ क्लीन करके डालूँगी, तो उसके लिए पहले इसे यहीं पे स्टोर कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे टमाटर कितने बड़े बड़े हैं ना, एक एक टमाटर इतना बड़ा बड़ा है। पहले सोचा इतना बड़ा टमाटर लूँगी, पर टमाटर बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा था, और इंडिया में टमाटर के प्राइस का सुना था ना, तो सोचा ले ही लेती हूँ। तो इसलिए मैंने 5 ही टमाटर लिए, पूरा वीक निकल जाएगा इससे, इतने बड़े बड़े टमाटर है। और मेरा फेवरेट पपीता भी आया, मुझे बहुत पसंद है पपीता, और ये सेल में था तो मैं 2 ले आई इस बार। पपीता खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, जिनको भाता है वो। और ये देखिए इडली का बैटर बहुत ही अच्छा फर्मेंटेशन हुआ था। मैंने क्लिप नहीं की थी जब मैंने बैटर बनाया था तब, पर इतना अच्छा फर्मेंटेशन हुआ ना तो मैंने सोचा दिखा दूं। तो नेक्स्ट कोई व्लॉग में मैं रेसिपी भी शेयर करूंगी, किस तरह का मेजरमेंट है इसका। ये बेसिकली मैंने अप्पे या उत्तपम ऐसा चीज़ बनाने, डोसा बनाने के लिए बनाया था। एकदम सही फर्मेंटेशन हुआ था। ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए। और इसको स्टोर करने से पहले हमेशा इडली बैटर या किसी को भी स्टोर करना हो ना तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए। सॉल्ट डालने से क्या होता है ना, इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ऑलमोस्ट स्टॉप ही हो जाती है। तो अच्छे से फर्मेंटेशन के बाद इस तरह से सॉल्ट डाल लीजिए और आप इसे फ्रीज में रख सकते हो, तो फिर अच्छा भी रहेगा, एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और ओवर फर्मेंटेशन भी नहीं होगा। और उत्तपम एज यूजल हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, और साथ में वेजिटेबल्स भी जाते हैं ना, तो मैं उत्तपम देना ज़्यादा पसंद करती हूँ इडली या ऐसा कुछ देने की बजाय। तो थोड़े से वेजिटेबल्स भी साथ में आ जाएंगे, चीज़ भी आ जाएगा, और एक फुल मील आपका हो जाएगा। बच्चों को आप इसे लंच में भी दे सकते हो, थोड़ा सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर करके, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से हल्का हल्का सा घी लगा देंगे ना तो फ्लेवर ही एकदम सही आ जाएगा। और इसके साथ कुछ ना हो, चटनी या कुछ भी ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये रेडी हो गया हमारा हेल्दी सा, यमी सा, टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। सबको गर्मा गर्म बना के दिया, जो जब जिसे खाना हो उसी टाइम पे बना के दिया। और जो आज भाजी निकाली थी ना तो उसके मैं बाहर वॉश करूँगी पहले, फिर घर में ले जाके वॉश करूँगी। ये बाहर से गार्डन में से ही निकाली है ना, तो और रेन भी बहुत हो रहा है आजकल, तो इस पर थोड़े से छींटे इस तरह से सॉइल के लग ही जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छी तरह से क्लीन करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा इसके रूट्स और सब कुछ बाहर ही निकाल के, और बाहर आज इतना अच्छा लग रहा था ना, बाहर बैठने का मन कर जाए। और तभी ये आया, बोल नहीं रहा है, मुझे कुछ बोल रहा है, कुछ ले जा रहा है घर के अंदर, तो उसे कुछ बात करनी थी, पर ये जानता था कि मैं वीडियो कर रही हूँ तो वो बोला नहीं। कई बार होता है ना कि नहीं मेरी बात किसी को नहीं बतानी, मुझे आपको ही बतानी। तो मैंने भाजी को बाहर भी वॉश कर लिया, फिर घर में आके घर के पानी से वॉश किया। और ये देखिए अभी निकाली है, और आज ही इसका मैं लंच बनाऊंगी, एकदम हेल्दी, ऑर्गेनिक, परफेक्ट बैकयार्ड वाली जो सब्जी। और ये कोकोनट यहाँ पे ही काटा था और अभी भी यहाँ पे पड़ा, तो वो क्लीन कर लूँगी। तो वीकेंड में थोड़ा गार्डनिंग करो और ये कुछ सब कुछ करो ना तो थोड़ी देर हो ही जाती है। और ये सब्जी एकदम बेसिक तरीके से बनती है। भाजी को कट कर लिया, अनियन और गार्लिक, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए, और कुछ डालना नहीं है। तो ये एकदम टेस्टी लगती है और एकदम ट्रेडिशनल देसी स्टाइल में बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें कुछ डालेंगे मेथी के दाने। तो मेथी के दाने मस्त है, इसमें मेथी के दाने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। थोड़ी सी अजवाइन और करी पत्ता और थोड़ा हींग जाएगा। भाजी या ऐसा कुछ बनाते हैं ना तो अजवाइन डालना चाहिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने गार्लिक को चॉप करके डाला है, इसको कर लेंगे रोस्ट। और एक डाली है हरी मिर्ची, हरी मिर्ची आप छोटी छोटी काट के डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, पर वीर को स्पाइसीनेस अच्छी नहीं लगती तो हरी मिर्ची तो बिल्कुल भी नहीं खाता, और छोटी छोटी डालेंगे ना तो खाने में आ ही जाती है। और यहाँ पे अनियन को डाल देंगे, अनियन को छोटा छोटा चॉप करके डाला है, बहुत बारीक नहीं, और ऊपर से डाल देंगे भाजी। अनियन को हमें यहाँ पे ब्राउन या गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं, साथ में ही डाल देना है, और ऊपर से भाजी, और ऊपर से डाल देंगे स्पाइसेस, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, और इसी तरह से पकने देंगे। थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, इसको मिक्स नहीं करेंगे अभी, नीचे का पार्ट सिकने दीजिए 2 मिनट 3 मिनट बाद, उसके बाद इसे पलटना है ताकि अनियन अच्छे से रोस्ट हो जाए और हमारी भाजी जो ऊपर से एकदम माउंटेन जैसा हुआ है ना वो भी बैठ जाए। तो बहुत ही ईजी होता है इसे बनाना, इसका पानी सूख जाए और तो ऊपर से गरम मसाला डाल के ये रेडी है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, चालू ही है हमारा ब्रेकफास्ट वाला भी, लंच के लिए भी प्रिपरेशन चालू है। एक्चुअली वेदांत थोड़ा सा देर से उठा तो उसके मैं गर्मा गर्म बना के दे रही हूँ, बाकी सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था। और ये भाजी को बीच बीच में मीडियम फ्लेम पे ही आप कुक कीजिए ताकि जल भी ना जाए और अच्छे से हो जाए। भाजी को हमेशा ओपन ही कुक करना चाहिए, बहुत कवर करके कुक करेंगे ना तो पानी रिलीज़ करेगा। और ये ऑलमोस्ट रेडी ही है, ऊपर से गरम मसाला डाला और ये रेडी हो गई हमारी सब्जी। बहुत ही हेल्दी होती है और इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। और घी का फ्लेवर देने के लिए मैंने रेडी हो गई तब 1 चम्मच जितना डाल दिया है घी, तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा, फ्रेगरेंस भी आएगा और एक हेल्दी रेसिपी रेडी हो जाएगी हमारी। हल्का सा घी डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। और ऊपर से थोड़ा सा किचन किंग मसाला, गरम मसाला नहीं डाला है, स्पाइसीनेस थोड़ा लेवल कम कर रखना है मुझे इसलिए। और ये रेडी हमारी सब्जी, रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारा लंच बेसिक सा ही था आज, हो गया है। और अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया था क्लोजेट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ही बॉक्स ऑर्डर किया, सो हमें देखना है अच्छा हो तो हम दूसरा बॉक्स ऑर्डर करेंगे। तो वही देख रहे हैं कि किस तरह का है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसा दिखे वैसा आता नहीं है प्रोडक्ट, तो वही सोचे अच्छा निकले तो फिर दूसरा करके हमें पूरा क्लोजेट ऑर्गेनाइज़ करना है। वैसे क्लोजेट में जो बेसिक सी चीज़ें आई थी ना वही है मेरे पास, और कुछ हम लोगों ने फर्नीचर किया नहीं है, तो वो ही लेके बैठे हैं हस्बैंड के साथ। और देख के लगा कि ये जैसा सोचा था इतना है नहीं, बहुत ही छोटा लगा हमें, और मटेरियल भी इतना अच्छा नहीं लगा, तो सोचा इसे कर देंगे रिटर्न, बाकी दूसरी कुछ चीज़ें देंगे। कॉस्को में से देख के मुझे पूरा क्लोजेट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना है, बहुत ही टफ हो जाता है किसी कपबोर्ड या कुछ अलमीरा के बिना क्लोजेट को इस तरह से ही ऑर्गेनाइज़ करना। तो पैक कर रहे हैं हस्बैंड, फिर से रिटर्न कर देंगे। और ये देखिए बाहर अभी भी वेदर ऐसा ही है, क्लाउडी सा, आज का दिन पूरा ऐसा ही जाएगा लगता है। और इसी के साथ हमारा वीकेंड हुआ ख़त्म, कल से नई शुरुआत मंडे से। तो व्लॉग भी यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।